गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वांट स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट टू। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। ये रहे डायरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर इस जगह। ये वो चैप्टर्स हैं जो मैं आपको कवर करवाऊंगा और इसमें से हम परसेंटेज रेशियो ऑफ पोर्शन एजीज और पार्टनरशिप चैप्टर कर चुके हैं और आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि है टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड। इसके बाद हम करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम जो कि पूरा रिलेटेड होगा टाइम एंड वर्क से ही। तो टाइम एंड वर्क आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस हिसाब से, ठीक है। और ये सारे चैप्टर्स जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखे ये सब आपको मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में, नितिन सर की इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब इसमें एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें लिखा है कि जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है वो हम एफिशिएंसी में कर सकते हैं। एफिशिएंसी यानी कि वन डे वर्क, हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं जो कि, और उसमें जो दूसरे पार्ट आता है जिसमें हम लिखते हैं कि ए कम्प्लीटेड वर्क इन 20 डेज, बी कम्प्लीटेड इन इतने डेज, इसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर हमें प्लस माइनस करने की ज़रूरत भी पड़ी क्वेश्चन में तो हम वो प्लस माइनस करेंगे एफिशिएंसी में, और किसी चीज़ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट वन लगाया था उनके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। तो ये रहा वो क्वेश्चन, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, यानी इनके इंडिविजुअल दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन की स्टार्ट इससे मिल जाएगी। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, तो हमें 3 दिन के बाद ए ने भाई काम करना छोड़ दिया, तो 3 दिन तो किया ए का काम, हम यहाँ से निकालेंगे। बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, बी ने काम कंप्लीट होने से पहले 1 दिन पहले छोड़ दिया। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क इज कंप्लीटेड, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये जो पार्ट वन टाइम एंड वर्क के पार्ट वन के लास्ट 3 क्वेश्चन थे उन्हीं में से लिया हुआ है मैंने क्वेश्चन और उनको कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनाया है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, अभी ये दोनों जो हैं एक साथ काम कर रहे हैं और 10 दिन में ये काम को ख़त्म कर लेंगे। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 12 डेज, ठीक है, वैसे ही ए और सी टुगेदर 20 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। ए बी, बी सी, ए सी, हमें तीनों का आ गया है कि ये इतने इतने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कम्प्लीट द वर्क वर्किंग अलोन ऑन इट, इन्होंने पूछा है कि सी अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में पूरा काम ख़त्म करेगा। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जब हमें इंडिविजुअल दिए गए होते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम उनको एज इट इज़ लिख लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन का स्टार्ट मिलेगा। यहाँ इंडिविजुअल नहीं दिए हुए, दो दो बंदों का ग्रुप दिया हुआ है, पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टार्ट हमें मतलब 3 ग्रुप ऐसे दिए हुए हैं जिनको हम अगर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी, एक ग्रुप को हम एक इंडिविजुअल क्वांटिटी माने तो हम क्वेश्चन को वैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, ए प्लस बी लिख लिया हमने 10, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए 20, इनको हमने ऐसे एक इंडिविजुअल ग्रुप माना है, ठीक है, पर है ये दो बंदे ही हैं। इसी से हमने एलसीएम लिया तो हमारा टोटल वर्क आया 60 और एफिशिएंसी आई ए प्लस बी की 6, बी प्लस सी की 5, सी प्लस ए की 3। तो आप देख सकते हैं कि ए भी दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है और सी भी दो बार आ रहा है। तो इनकी अगर हम एफिशिएंसी करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी आएगी 14 यूनिट, पर वो ए प्लस बी प्लस सी की नहीं होगी, वो होगी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की। क्यों? क्योंकि ए भी दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है और सी भी दो बार आ रहा है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 7 यूनिट्स का काम कर सकते हैं। अब उन्होंने भाई पूछा कि सी जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी, जब ये वीडियो मैंने शुरू की थी उसका कंसेप्ट बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी होगी वो एफिशिएंसी में होगी, ना कि इंडिविजुअल जो जितने दिन में वो काम खत्म कर रहे हैं उसमें। तो हम एफिशिएंसी में ही जो प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है 7 यूनिट्स जो है ये भी तो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, और अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर हम निकाल दें तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और जब सी की एफिशिएंसी आ जाएगी तो हम उसको टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास थी 7 यूनिट्स, और ए प्लस बी की आपको दिख रही है 6 यूनिट है, तो हमने 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास सी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। टोटल वर्क हमें पता है कि 60 यूनिट था, अगर हम 60 यूनिट को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क, तो 60 को 1 से डिवाइड करने पे आएगा 60 ही। तो सी को इस 60 यूनिट काम को खत्म करने में लग जाते हैं 60 डेज, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि हमें एफिशिएंसी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब करनी है और क्यों करनी है, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है जब हमें उससे करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
2% ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 hours एंड 12 hours रिस्पेक्टिवली। अब इनके इंडिविजुअल आगे हमारे पास ए का 8 है, बी का 12 है, तो हमें क्वेश्चन का स्टार्ट मिल जाएगा। इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ वन और ऑल्टरनेटिवली, यानी कि पहले ए विद ए बिगिनिंग एट 9 AM, यानी कि ए शुरू करेगा पहले 1 घंटे काम करेगा, फिर बी करेगा 1 घंटे काम, फिर ए करेगा 1 घंटे काम, फिर बी करेगा 1 घंटे काम, ये दोनों एक साथ नहीं करेंगे पर एक एक घंटे के स्ट्रेच में ये करते जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कि अगर 9 AM पे काम शुरू हो रहा है और ए उसको शुरू कर रहा है तो किस टाइम पे जाके खत्म होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन की शुरुआत हमने वैसे ही की, ए बी के लिखे इंडिविजुअल, टोटल वर्क निकाला एलसीएम लेके, उनकी एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल एफिशिएंसी आई उनकी 5 यूनिट्स। पर अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये साथ साथ काम नहीं कर रहे हैं, पहले ए कर रहा है 1 घंटे के लिए, फिर बी कर रहा है 1 घंटे के लिए, तो ये 5 यूनिट्स होंगे, ये 1 घंटे के नहीं, ये 2 घंटे का काम आएगा। देखिए कैसे, 3 यूनिट काम किया पहले ए ने 1 घंटे के लिए, उसके नेक्स्ट घंटे में 2 यूनिट काम किया बी ने, तो 2 घंटे के बाद हमें 5 यूनिट काम मिला, ठीक है, जो कि ए और ए प्लस बी का सम था। यूजली क्या होता था जब हम सम करते थे, वो उनका 1 घंटे का ही काम होता था, पर इसमें ऑल्टरनेटिव काम कर रहे हैं तो इसीलिए ये काम 1 घंटे के बजाय 2 घंटे का हो जाएगा। अगर यहीं पर सी होता तो ये जो 5 यूनिट होता ये 3 घंटों का काम आ जाता, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली 1-1 घंटे के स्ट्रेच में काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी 2 ही बंदे हैं तो 2 घंटे में 5 यूनिट हो रहा है। अब उन्होंने पूछा है कि अगर ए शुरू कर रहा है काम को 9 बजे तो काम कितने बजे खत्म होगा, तो देखिए 5 आ रहा है हमारे पास, तो अब 5 24 यूनिट्स जो है वो 5 से सीधे सीधे तो डिवाइड हो नहीं सकते। अगर हम 24 का एक ऐसा नियरेस्ट नंबर ले आए जो 5 से डिविजिबल है पर 24 से ऊपर भी नहीं है, तो वो कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर आएगा 20। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट काम जो हो रहा है वो 2 घंटे में हो रहा है 1 घंटे के बजाय, क्योंकि अल्टरनेटिव स्ट्रेच में काम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हमें 20 बनाना है, 20 कैसे आएगा जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ एक ही साइड थोड़ी होगी, जब हम दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख जाएगा 20 यूनिट जो हो रहे हैं 8 घंटे में हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन काम करेगा, अब एक एक इसको अब इंडिविजुअली हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट काम करेगा ए, ठीक है, ए जब काम करेगा वो 3 यूनिट काम करेगा नेक्स्ट घंटे में, तो 9 घंटे में हमारे पास 23 यूनिट का काम आ गया, 9 घंटे में हमारे पास 23 यूनिट का काम आ गया। अब काम बचा है सिर्फ 1 यूनिट का और करना है बी ने। बी अगर 2 यूनिट 1 घंटे में कर रहा है तो 1 यूनिट आधे घंटे में करेगा, है ना, तो बी जब 1 यूनिट जो है आधे घंटे में करेगा, हमारे 24 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल टाइम लग जाएगा 9.5 आवर्स। अब काम शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे, 9 बजे में हम जब 9.5 आवर्स ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा कि टोटल काम कंप्लीट हो रहा है शाम के 6:30 बजे, ठीक है। यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब एक नया कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि देखिए टाइम जो है एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए अगर आप एक चीज़ को बनाने में कम टाइम ले रहे हो, यानी आपकी स्पीड ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है जब आप तेज़ी से काम कर रहे हो तभी आपको कम टाइम लगेगा, जब आप धीरे धीरे किसी काम को करोगे तो आपको उस काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे एक रिलेशन आ जाता है कि टाइम जो है एफिशिएंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एफिशिएंसी को हम स्पीड भी कह सकते हैं पर इस चैप्टर में एफिशिएंसी ही कहेंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज़ देखा कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक पहली एग्जांपल देखिए, ए बी की एफिशिएंसी है 3:4 की, तो हमें टाइम की रेशियो देखनी है, ठीक है। टाइम की रेशियो कैसे आएगी, मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनको इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास टाइम की रेशियो आ जाएगी 4:3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ए इज टू बी इज टू सी है 2:3:5। अच्छा ऊपर तो 2 थे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे आ गए 3 तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसमें हम लगाएंगे हाइड मेथड। हाइड मेथड क्या है, मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में समझाया था अच्छे से और कैसे सॉल्व करना है उसको ये भी बताया था। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को पढ़िए तभी आपको ये हाइड मेथड का कंसेप्ट क्लियर होगा। हाइड मेथड लगाने के पास हमारे पास टाइम की रेशियो आ गई, ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 15:10:6। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन बी। ये मोर लेस और नॉर्मल का मैंने कंसेप्ट भी आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में बताया है। तो देखिए ये चैप्टर आपस में कितने इंटर रिलेटेड हैं कि आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ नहीं सकते अगर आप दूसरे चैप्टर पर जंप कर रहे हैं। पहले रेशियो प्रोपोर्शन को कंप्लीट कीजिए फिर इस चैप्टर पर आइए, ठीक है। ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन बी, ऑल्सो ए टेक्स 30 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन दे दिए हुए हैं उन्होंने, पहले हम सिर्फ स्टेटमेंट पे काम करेंगे। ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। अगर हम बी की एफिशिएंसी 100 मारें तो 200% मोर का मतलब आया ए की वैल्यू हो जाएगी 300। ये कैसे हुई मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में बताया। ए आल्सो टेक्स 30 डेज लेस, ठीक है। अभी पहले क्या करते हैं एफिशिएंसी की रेशियो निकाल लेते हैं, 3:1। टाइम की रेशियो क्या होगी उनकी, इनवर्स 1:3। अब उन्होंने कहा है ए टेक्स 30 डेज लेस, 30 डेज का क्या मतलब हुआ, टाइम की बात चल रही है। तो एक ए जो है वो 30 दिन कम ले रहा है बी से, और रेशियो में देखिए ए जो है 2 यूनिट कम ले रहा है बी से, तो हम क्या करेंगे इनको कंपेयर कर लेंगे। बिल्कुल, 2 को हमने जब कंपेयर किया 30 से, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 15 डेज। अब उन्होंने पूछा है कि
पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी डेज वर टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो देखिए रेशियो ऑफ टाइम, टाइम में ए की वैल्यू है 1 यूनिट, तो टाइम में अगर ए की वैल्यू है 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 15 डेज, तो हमारा पहला आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 15 डेज। और सेकंड क्वेश्चन पूछे टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अब देखिए ए अगर 15 डेज ले रहा है तो बी कितना लेगा, 15 3 45, क्योंकि टाइम की रेशियो में बी की वैल्यू है 3 यूनिट, है ना, तो बी का आ गया 45। अब ए भी है हमारे पास 15, बी भी है हमारे पास 45, हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 45, जो कि होगा टोटल वर्क। ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है, उस एफिशिएंसी को ऐड करेंगे हमारे पास 4 यूनिट्स आएगा, और जब हम 45 को 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो उनका टाइम आ जाएगा कि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो किस टाइम में खत्म करेंगे। तो 45/4 आ गया हमारे पास, 11.25 डेज लगेंगे उनको इस काम को खत्म करने में। ठीक है, अब हमारा एक टोटली न्यू कंसेप्ट आ गया, इसको हम कहते हैं MDH। MDH देखे ना आपने, MDH मसाले वगैरह टीवी पे ऐड आती है, इससे आपने याद रखना है। अब ये क्या चीज़ है, M1D1H1/W1=M2D2H2/W2, यह चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये M क्या हुआ, M होगा नंबर ऑफ पर्सन, उसमें मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, पेयर में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली भी हो सकते हैं। D में आ गया डेज, टाइम इन डेज, डी सिर्फ स्पेसिफिकली डेज के लिए ही है, और एच में आ गया टाइम इन आवर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा कि आवर्स के बारे में नहीं कहा होगा, सिर्फ डेज के बारे में कहा होगा, तो बाय डिफॉल्ट आवर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और डब्ल्यू आ गया टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क खुद में बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा कि कंप्लीटेड 1/3 ऑफ वर्क या फिर हाफ ऑफ वर्क, तो हम डब्ल्यू की वैल्यू 1/2 ले लेंगे। अगर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, अगर उन्होंने सीधा लिखा है कंप्लीटेड द वर्क, तो हम डब्ल्यू की वैल्यू 1 लेंगे। अब एक और कंसेप्ट आ गया इसमें, एंड और का। एंड का मतलब होगा हम ऐड करेंगे, और का मतलब होगा हम इक्वेट करेंगे। यूजुअली नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को ना पढ़ के उसको हिंदी में क्रैक करना, उसको समझना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। एक स्टेटमेंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, 2 boys and 3 girls कैन डू द वर्क इन 2 डेज, ठीक है, अब इधर वर्क लिखा हो तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 आ गई बाई डिफॉल्ट, ठीक है, तो डब्ल्यू पे हम काम नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा है 2 लड़के और 3 लड़कियां, ठीक है, यानी कि और का मतलब ये साथ साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो 2B ले लिया हमने बॉयज को, प्लस 3G ले लिया हमने गर्ल्स को, मल्टीप्लाई कर दिया 2D के साथ, तो हमारे पास ये आ गई। इस इक्वेशन को क्रैक करके ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया, 2 लड़के या 3 लड़कियां कैन डू द वर्क इन 2 डेज, यानी एक काम है 2 लड़के उसको 2 दिन में करते हैं, और वही काम अगर लड़कियों को करना हो तो 3 लड़कियां लग जाएंगी अगर उस काम को 2 दिन में खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेट करेंगे, 2 boys into 2 days = 3 girls into 2 days, तो इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे क्रैक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो हमारा क्वेश्चन आ गया 4 men can do a work in 6 days। अब यहां पर सिर्फ मैन की बात चल रही है, वाइल 3 women can do the same work in 16 days। अब वर्क 1 आ गया बाय डिफॉल्ट, और भी 1 आ गया बाय डिफॉल्ट क्योंकि क्वेश्चन में उनके मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड 1 man and 2 women can together do the work in how many days। वैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट किया, 4m into 6 = 3w into 16, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, क्वेश्चन की पहली लाइन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन कहता है, नेक्स्ट लाइन छोड़ो, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैन अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/1। ये जब भी मैन और वुमेन की रेशियो दी गई होगी, इसे हम एफिशिएंसी मानेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी मानेंगे। अब नेक्स्ट लाइन कहता है, उन्होंने कहा है कि एक बंदा और 2 औरतें अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमने नंबर ऑफ डेज को डी मान लिया, ठीक है, इसमें हमें दिन ही तो निकालने हैं, तो उसके लिए उसको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, हमने डी मान लिया। अब उन्होंने 1 man पूछा है और 2 women जब साथ में काम करेंगे, तो हमने प्लस लगा दिया बीच में। और अब क्या करेंगे, जो ऊपर दिया हुआ ना, सेम अमाउंट ऑफ काम कर रहे हैं, तो हम ऊपर में से किसी एक इक्वेशन को उठा लेंगे, ठीक है, और इसके साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि काम तो सेम अमाउंट का ही करना है। तो हमने 4m वाली उठा ली, आप 3w वाले भी उठा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। हमने 4m वाली उठाई, अब देखिए कि हमारे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या आई थी, 2/1, तो हम एम को 2 पुट कर लेंगे, डब्ल्यू को 1 पुट कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन एजम्पशन पे चलते हैं, ठीक है। एम को हमने जब 2 पुट किया तो इधर बन गया 2 into 1, ठीक है, डब्ल्यू को हमने जब 1 पुट किया तो इधर बन गया 2 into 1, ठीक है, इधर भी वही बना। तो हमारे पास डी एज इट इज रहा, 4m में जब हमने m को 2 पुट किया तो वो ये बन गया हमारे पास कुछ ऐसा 4 into 2 into 6। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 12 डेज, और यही वो दिन है जो हमें निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 men and 3 boys can do a work in 10 days, एंड आ गया। अब इसको हिंदी में देखिए, आपको हर क्वेश्चन को हिंदी में डिकोड करना है ताकि आपके पास आसान हो जाएगा। 2 बंदे और 3 लड़के
एक काम को कर सकते हैं 10 दिन में। काम बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ गया और बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ गया, दो बंदे और 3 लड़के यानी कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इनमें प्लस लगेगा। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि वाइल 3 men and 2 boys, इसमें भी प्लस लगेगा, कैन डू हाफ ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। अब इस पॉइंट में आपके पास हाफ ऑफ वर्क बोला हुआ है यानी वर्क की वैल्यू आ गई 1/2 और ये 4 दिन में कर रहे हैं वो आधा काम। अब आगे पूछा हुआ है कि दो बंदे और एक लड़का अगर मिलके काम करते हैं तो इसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे। वैसे ही लिखा हमने, दो बंदे 3 boys 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट लाइन में आ गया 3 men 2 boys हाफ ऑफ द वर्क इन 4 days। अब बेसिकली ये आना कैसे था, 3 m 2 भी तो आ गया ठीक है, इन टू हमने करना था 4 ठीक है, और डिवाइड कर देना था 1/2 से क्योंकि हाफ ऑफ वर्क है। तो जो 1/2 का जो 2 था वो बिल्कुल ही नीचे चला गया, और जब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है तो वो ऊपर आ जाता है यानी कि आपके अगर डिनोमिनेटर में भी एक डिनोमिनेटर आ, डिनोमिनेटर भी अगर एक फ्रैक्शन है और उसका भी डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो डिनोमिनेटर जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब वो 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे 8 आ जाता। अब हमने इसको जब सॉल्व किया हमारे पास मैन और बॉयज़ की रेशियो आ गई 7/2, और मैंने आपको बताया था इस रेशियो को हम एफिशिएंसी मानते हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि दो बंदे और एक लड़का अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले हमें डेज़ को अज्यूम करना पड़ेगा डी। वैसे ही लिखा हमने, दो बंदे एक लड़का, डी अज्यूम किया, पहली वाली इक्वेशन उठा ली मैंने, मैंने स्टार्टिंग वाली उठाई है, आप सेकंड वाली भी उठा सकते हो, 20m + 30b, इससे हमने कंपेयर किया। अब m में हम 7 की वैल्यू पुट करेंगे, डी में हम बॉयज़ में हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, जब ये हम पुट करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 200/16 विच इज 12.5 डेज ठीक है। अब ये एक छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना कि मल्टीप्लाई कैसे करना है और ऐड कैसे करना है, ये मैं आपको क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद भी आनी चाहिए ठीक है। मैं आपको बस बताऊंगा किस चीज़ को कहाँ पुट करना है और उसको पुट करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 men 8 women 24 चिल्ड्रन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज 72 डेज एंड 32 डेज रिस्पेक्टिवली। अब यानी कि इनकी इंडिविजुअल की बात चल रही है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 10 men 24 children and 15 women, इसमें एंड लग गया ठीक है, टुगेदर कैन कम्प्लीट, वैसे टुगेदर भी लिखा हुआ है, अगर टुगेदर नहीं भी लिखा होता तो हमें ऐसे भी पता चल गया था कि इसमें एंड लगा है तो इसमें ऐड ही होना है, टुगेदर कैन कम्प्लीट ए वर्क। वैसे क्वेश्चन हमने शुरू किया, 24m लिखा 16 से मल्टीप्लाई किया, 8w लिखा 72 से मल्टीप्लाई किया, 24c लिखा 32 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो नीचे 4 स्टेप दिख रहे हैं ना आपको, ये मैंने एक तरीका बताया है कि आपको जो 24 × 16 करना है, 8 × 72 करना है, 24 × 32, ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो इन कैलकुलेशन को इग्नोर करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन पॉइंट्स ढूंढते जाएंगे और उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसे कि आपको पहली इक्वेशन में 24 दिख रहा है, सेकंड में 8 दिख रहा है और थर्ड में भी 24 दिख रहा है, तो ये सारे 8 के टेबल में आते हैं। जब हम 8 कॉमन ले लेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m × 16, w × 72, 3c × 32, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखते हैं, हमने सेकंड इक्वेशन में देखिए 16, 72 और 32 आ रहा है, ये सारे भी 8 के टेबल में आते हैं, तो हमने फिर से एलिमिनेट कर दिया इनको, तो हमारे पास बचा 3m × 2, w × 9, 3c × 4, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास आगे 2m = 3w = 4c। अब ये इक्वल्स टू की फॉर्म में है, हमें तो रेशियो चाहिए होती है, तो रेशियो कैसे आएगी, हाइट मेथड से। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने बताया है हाइट मेथड, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो m:w:c की रेशियो आ गई हमारे पास 6:4:3। अब इन्होंने पूछा है 10 men 24 children and 15 women यानी कि प्लस करेंगे और नंबर ऑफ डेज को हम डी मानेंगे ठीक है, और इसमें अब मैंने सीधा ही वैल्यूज पुट कर दी है, एम की जगह 6 की है, डब्ल्यू की जगह 4 की है और सी की जगह 3 की है, और मैंने 24 × 6 × 16 ठीक है, जो कि मेन वाली इक्वेशन थी जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो वाली क्वेश्चन लिए और एम में मैंने सीधे सीधे 6 की वैल्यू पुट कर दी है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी डी की वैल्यू जो होगी 12 डेज होगी, और यही हमारा आंसर है ठीक है। सॉल्व कैसे करना है मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद भी सॉल्व कीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होंगी। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर ही पूरा पूरा खत्म हो गया। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक पढ़ा और पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और इसी के साथ हमारा जो है टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी खत्म हो गया है ठीक है। आप कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, मैं अब बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले शुरुआत कीजिए परसेंटेज से, फिर आइए रेशियो प्रोपोर्शन से, फिर आ जाइए जो जो मैंने चैप्टर जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो है इंटर रिलेटेड हैं। अगर एक भी कंसेप्ट स्किप करोगे और वो कंसेप्ट आगे किसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ होगा और मैं आपको वहाँ पे वो जस्ट कंसेप्ट समझाऊंगा नहीं, फिर आप कहोगे कि आपने तो आधा ही पढ़ा, आपको समझ नहीं आया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आगे कोई एक नया कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हाइड मेथड का इस चैप्टर में कंसेप्ट आपको दिखा है, अगर आपने वो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं पढ़ा हुआ है और मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं किया कि हाइड मेथड कैसे करना है, तो आप कहोगे कि मैंने आधा पढ़ाया, पर मैंने आधा नहीं पढ़ाया, मैंने आपको ये चीज़ पहले पढ़ा चुका हूँ।
तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए। इसी के साथ हम आज का भी अपना चैप्टर क्लोज करते हैं, हमारा टाइम एंड वर्क भी खत्म हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम, वो टोटली रिलेटेड है इसी चैप्टर से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी ये वीडियो, आपको कंसेप्ट ईजी लगे जो मैंने समझाए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जिनको हमने जितना बेसिक और जितना लेमैन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश की है, वो सारे चैप्टर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपके फ्रेंड जिनको टाइम एंड वर्क चैप्टर के कंसेप्ट को समझने में मुश्किल आ रही है, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। थैंक यू।